टेंजेंशियल एक्सेलरेशन पे एक मुझे डिराइव करना था, अब डिराइव करना है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ए आर से या ए सी से डिनोट कर सकते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, या रेडियल एक्सेलरेशन भी बोल सकते हैं, बिकॉज इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर, इसीलिए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, या अलोंग द रेडियस इसीलिए रेडियल एक्सेलरेशन। ठीक है, तो उसका इक्वेशन डिराइव कर रहे हैं। सो कंसिडर अ बॉडी, ऐसा लिखना, कंसिडर अ बॉडी परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मतलब बॉडी इज मूविंग अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल विद कॉन्स्टेंट स्पीड, स्पीड कॉन्स्टेंट है। अब यहां टू डायमेंशनल मोशन है तो दो कोऑर्डिनेट बना लेते हैं, ये अपना ओरिजिन, ये एरो इधर, ये अपना वाई एक्सिस और ये एक्स। तो बॉडी इज परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, याद रखो। नाउ समझो पार्टिकल यहां है, जो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा वो पार्टिकल यहां है एट पॉइंट पी, तो यहां से ज्वाइन करो ओरिजिन से, तो इस वेक्टर को क्या बोलेंगे, वेक्टर आर। सो आर इज व्हाट, याद करो रेडियस वेक्टर, और इट इज आल्सो नोन एज पोजीशन वेक्टर, जो पोजीशन बताएगा। देखो शुरुआत कहां से हो रही, ओ पॉइंट से, यानी ओरिजिन से, इसको ओपी भी लिख सकते थे चाहे तो, वेक्टर ओपी, पोजीशन वेक्टर बोलो ओरिजिन से शुरू हो रहा, या रेडियस वेक्टर बोलो अलोंग द रेडियस। और डायरेक्शन याद रखना, डायरेक्शन का काम आएगा, डायरेक्शन एरो देखो क्या दिया, डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सेंटर। तो रेडियस वेक्टर की डेफिनेशन फिर से एक बार बोल देता, वेक्टर जॉइनिंग द सेंटर एंड पोजीशन ऑफ द पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन। हर जगह मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन इज चेंजिंग, डायरेक्शन है डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सेंटर, डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सेंटर, ये काम आएगा। पहले इतना देख लो डायग्राम। सो कंसीडर अ बॉडी परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, लेट एट एनी इंस्टेंट पी इज द पोजीशन, उसकी पोजीशन पी है, जॉइन ओपी, ये हो गया रेडियस वेक्टर या पोजीशन वेक्टर, और ये थीटा है, थीटा इज द एंगल विथ एक्स एक्सिस। कंस्ट्रक्शन में लिखना, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो और यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ, ये एंगल लाइन, ये एंगल लाइन, तो वेक्टर आ गया फिर से। ठीक है, रिजॉल्व करो, ये आर है खाली मैग्नीट्यूड लिख दे, तो इसको लिखेंगे आर कॉस थीटा, और ये दूसरा कंपोनेंट ये, तो ये आएगा आर साइन थीटा। देखो फिर से बता देता ध्यान देना, ये वेक्टर है समझो आर अपना वो, ठीक है, तो उसको दो कंपोनेंट में डिवाइड किया रेक्टेंगुलर, ना ये दोनों के बीच में एंगल लाइन है। अब इसका एंगल अगर ये थीटा है तो ये क्या रहेगा, आर कॉस थीटा, और ये रहेगा आर साइन। वेक्टर में रिजॉल्व करना सिखाया है, बस वही है, एक वेक्टर दिया था उसके दो बना लिए, और लॉजिक पैरेललोग्राम वाले दो वेक्टर का ये क्या है, रिजल्ट है, तो इसकी जगह ये दोनों बनाओ या इन दोनों की जगह ये बनाओ, आंसर वुड बी सेम। तो ये है आर कॉस थीटा, एंगल इसके साथ है, ये एंगल नहीं है तो आर साइन थीटा, ये थोड़ा सा याद रखना, देख लो एक बार फिर अच्छे। वेक्टर चैप्टर मैंने बोला था बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पे भी वेक्टर क्वांटिटीज आएंगे वेक्टर रूल्स लगाने पड़ेंगे, तो यहां वही रूल लगाया। जैसे देखो कंसीडर अ बॉडी परफॉर्मिंग सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का इक्वेशन डिराइव कर, ये टेक्स्ट बुक में भी है, अगर हुआ तो मे बी एग्जाम में भी आ जाए आप लोग की कॉलेज की, जो पोर्शन कैंसिल है वो आप लोग देखना, क्योंकि मेरे लिए तो पूरा इंपॉर्टेंट है सर्कुलर मोशन, इसलिए मैं पूरा ही पढ़ा रहा, और मोशन इन वन डायमेंशन टू डायमेंशन भी मैंने पूरा लिया है, जो पोर्शन कैंसिल है वो स्कूल के एग्जाम के लिए या कॉलेज के एग्जाम के लिए छोड़ देना आप लोगों को। सेंटीमीटर एक्सेलरेशन का इक्वेशन, ठीक है, डिराइव करेगा, कंसीडर अ बॉडी परफॉर्मिंग यूसीएम यानी यूनिफॉर्म सर्क्यूलर मोशन, लेट एट एनी इंस्टेंट कोई भी एक इंस्टेंट पे पी इज द पोजीशन, ओपी लिखेंगे रेडियस वेक्टर या पोजीशन वेक्टर, थीटा क्या है एंगल विथ एक्स एक्सिस,
तो कंपोनेंट में डिवाइड करना है आर, ये कंपोनेंट हो गया, फिर आर कॉस थीटा, यहां से परपेंडिकुलर डायरेक्ट इधर से बन गया रेक्टेंगल, तो ये दूसरा कंपोनेंट आर साइन थीटा। अब किसी भी वेक्टर को कैसे लिख सकते हो बताया था, सपोज वेक्टर आर कैन बी रिटन एज एक्स आई प्लस वाई जी, याद है ना वेक्टर को तीसरा कोऑर्डिनेट रहा तो जेड के लिखेंगे, पर दो ही है टू डायमेंशन इसलिए, पर एक्स की जगह क्या लिखेंगे हम देखो डायग्राम में, आर कॉस थीटा और आर साइन थीटा, तो वो लिखने जा रहे हैं वेक्टर आर, एक्स की वैल्यू लिख क्या है ठीक है, तो यहां एक्स लिखने की जगह ऐसा लिख दो आर एक्स और इधर लिखो आर वाई, तो आर ये आर एक्स ये आर वाई, आर एक्स की वैल्यू क्या है देखो आर कॉस थीटा, आर कॉस थीटा और ये आई एक्स एक्सिस के अलावा आर कॉस थीटा, y एक्सिस के अलावा आर साइन थीटा, आर साइन थीटा और ये जी, यहां पर देख लो एक बार अच्छे से फिर आगे चलते हैं। वेक्टर बताया था किसी भी वेक्टर जैसे आर है, कैपिटल आर वेक्टर है तो इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं आर एक्स आई प्लस आर वाई जे प्लस आर जेड के, पर अभी दो ही डायमेंशन है तो दो ही लेंगे, ये आता दिया ये से आर एक्स की वैल्यू आर कॉस थीटा आर साइन थीटा आर वाई की वैल्यू, वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है प्रॉपर, देखिए डायग्राम याद रखो डायग्राम में क्या किए, तो ये हटा देता कहां है नीचे पे रेडियस वेक्टर और एंगल बिटवीन एक्स एक्सिस, ठीक है यहाँ पर देख लो नोट डाउन करो और ये होमवर्क में ये डेरिवेशन लिख के भेजना है आप, अपने को पता है रिलेशन कोई था लिख लेते हैं, एंगुलर वेलोसिटी इट इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, अरे सारा फॉर्मूला है जैसे अपन हमेशा कैसे लिखते हैं वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये लीनियर वेलोसिटी ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट ये टाइम, वैसे ही एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और अपॉन में टाइम, सो वी कैन राइट थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा टी यहां पे, सो आर कैन बी रिटन एज ये वेक्टर आ रहा है, ये मैग्नीट्यूड है ये भी मैग्नीट्यूड है ये डायरेक्शन है, इस पे ऊपर बार बार देना आर के ऊपर ना आर कॉस थीटा की जगह क्या लिखेंगे ओमेगा टी प्लस, हाँ ये वापस से इधर भी आर साइन ओमेगा टी और ये जे यहाँ क्या आया थीटा की जगह ओमेगा टी सब्स्टिट्यूट किया। अब मेरी बात ध्यान से सुनो ठीक है, अपने को कायनात से निकालना है एक्सीलरेशन का, ये क्या है पोजीशन वेक्टर यानी डिस्प्लेसमेंट है ठीक है, अब ध्यान दो अगर एक्स दिया है एक बार डिफरेंशिएट करो इसको, डिफरेंशिएट करो इसको तो बनेगा डीएक्स अपॉन डीटी, एक बार डिफरेंशिएट किया तो क्या मिल गया वेलोसिटी ठीक है ना, इसको डिफरेंशिएट किया डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम और ये डेरिवेटिव का सिंबल हो गया, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम ना डेरिवेटिव का सिंबल, और एक्स को डिफरेंशिएट किया तो एक्स, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या हो गया वेलोसिटी, वेलोसिटी को एक और बार डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू टाइम ये वी, तो ये सिंबल हो गया किसका डेरिवेटिव का, किसका डेरिवेटिव लेना है वी का और आंसर क्या मिलेगा, तो अब ध्यान रखो इतना बन गया, इस इक्वेशन को दो बार डिफरेंशिएट करना है, एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो मिलेगा वेलोसिटी, एक और बार डिफरेंशिएट करेंगे तो मिलेगा एक्सेलरेशन, तो अब दो बार डिफरेंशिएट करना है। अब डेरिवेटिव का भी एक छोटा सा फॉर्मूला याद रखना ही बताया, अगर साइन है एक्स समझो तो साइन एक्स का डेरिवेटिव है कॉस एक्स और cos x का माइनस sin x, वो याद रखना मेन ये है कि यहाँ x था तो यहाँ x ही लिखा है, और अगर कांस्टेंट है 5x तो यहाँ लिखते समय 5x ही लिखेंगे, देखना एग्जांपल, पर ये कांस्टेंट सामने लिखा था अपन ने 5, तो इसमें जो ओमेगा है इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो टाइम तो है मगर ये ओमेगा कांस्टेंट है क्योंकि बॉडी कौन सा मोशन परफॉर्म कर रही, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो समझ जाना कि इसकी जगह ओमेगा है, तो यहां पे ओमेगा टी जे वैसे तो वैसे आएगा साथ में सामने भी ओमेगा लिखा,
डेरिवेटिव ऐसा एग्जांपल लिया है अपन, नंबर में भी शायद बदला होगा, इसका डेरिवेटिव ले रहे हैं तो साइन का वैसे के वैसे लिख लो, कॉस एंगल वैसे ही रखना, फिर इसका डेरिवेटिव सामने लिखते हैं मल्टीप्लीकेशन में, तो 5x है तो क्या लिखना है 5। ये याद रखो, अब ये मुझे अभी लिखना नहीं है सब, अब इसको दो बार डिफरेंशिएट करेंगे तो वो थोड़ा सा ध्यान से देखना। डायग्राम ड्रॉ करो, जो लिखने को बोला वो लिखो, यहाँ तक नोट डाउन करो, समझ लो एक बार, फिर आगे चलो। अब इसको दो बार डिफरेंशिएट करने वाले ढंग से देखना, ठीक है? लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है? और ये है समझो अपना इक्वेशन नंबर 1, डिफरेंशिएट कर रहे हैं इसको, तो डी आर अपॉन डी टी, ये हो गया डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी ये क्या मिलेगा वेलोसिटी, इसका जो भी आंसर आएगा वो हो गया वेलोसिटी, इक्वल टू आर कॉन्स्टेंट है वैसे ही रखो, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, तो माइनस सामने लिख लेते एक बार, माइनस साइन ओमेगा टी, ठीक है? तो कॉस का माइनस साइन तो लिख लिया, अब ये कॉन्स्टेंट है ओमेगा, तो वो ओमेगा मल्टीप्लीकेशन में सामने लिखो, फिर से बता रहा देखो एक बार, डेरिवेटिव लिख रहे हैं साइन 5t का सपोज, ठीक है? टी का टी के इसमें डिफरेंशिएट, साइन का लिखेंगे, अच्छा कॉस का, ठीक है साइन का, साइन का लिखेंगे कॉस, एंगल वैसे के वैसे रखना 5t, और ये कांस्टेंट लिखना है सामने, तो वही किया है, कॉस का जो था वो लिख लिया माइनस साइन, ये माइनस साइन कर दिया, आर कांस्टेंट का वैसे रखा और ये कांस्टेंट सामने लिख लिया, ओके। ये थोड़ा सा देखो एक बार, ठीक है? डेरिवेटिव ये है, इसलिए पहले थोड़ा सा लिया है अपने मैथ्स वाला क्वेश्चन जो अपने काम आएगा, तो यहाँ नंबर्स नहीं है बस, पर ओमेगा कांस्टेंट है क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मीन्स लीनियर वेलोसिटी कांस्टेंट, मतलब सॉरी लीनियर स्पीड कांस्टेंट, मतलब एंगुलर वेलोसिटी भी कांस्टेंट है। फिर ये प्लस ये आर साइन का डेरिवेटिव कॉस, ये ओमेगा टी वैसे के वैसे रखना, अब इसका ओमेगा सामने और साथ में ये जी और यहाँ रह गया आई यूनिट वेक्टर, ठीक है? तो ये इसका डेरिवेटिव यहाँ लिखा है और ये इसका डेरिवेटिव यहाँ लिखा, फिर से देखना ध्यान दो, आर वैसे रखा कांस्टेंट, कॉस का लिख लिया माइनस साइन, एंगल वैसे के वैसे रखना, कांस्टेंट है ओमेगा उसको सामने लिखना है, प्लस का साइन दे दिया, आर वैसे रखा है, साइन का डेरिवेटिव कॉस आ गया कॉस, ठीक है? या वैसे ये कॉस ओमेगा कांस्टेंट सामने जे, तो एक बार डिफरेंशिएट हो गया, क्या मिल गई वेलोसिटी, देख लो एक बार यहां पर, ये खुद लिख के देखना एक बार। अब एक और बार डिफरेंशिएट करेंगे, अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है? नाउ अगेन लिख रहे हैं यहां पे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, अगेन डिफरेंशिएट रिस्पेक्ट टू टाइम, इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, सो डी वी अपॉन डी टी, मतलब क्या मिलेगा एक्सेलरेशन, और ये सेंट्रीपेटल बाद में लिखते चलो, तो वेलोसिटी अपॉन टाइम मतलब क्या मिल गया एक्सेलरेशन, ध्यान देना राइट से डी वी अपॉन डी टी, इसका डेरिवेटिव यानी ये मिलेगा एक्सीलरेशन इज इक्वल्स टू माइनस वाईसी आर वाईसी ओमेगा वाईसी, क्योंकि ये दोनों कांस्टेंट है, साइन का डेरिवेटिव कॉस, अब ये मत देखना इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, साइन का डेरिवेटिव कॉस ओमेगा टी, ठीक है? अब ओमेगा फिर से बाहर देखना पड़ेगा, इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, एक ओमेगा पहले से एक ओमेगा और लिखेंगे, यानी ओमेगा स्क्वायर,
और ये आई टर्म वैसे ही वैसे ही। अब ये प्लस, एक बार प्लस ही लिख रहे, आर ओमेगा वैसे ही वैसे ही, कॉस का डेरिवेटिव माइनस, तो ये डाल दिया सामने माइनस साइन ओमेगा टी वैसे की वैसे। ए ओमेगा बाहर लिखना है पर पहले से ओमेगा है, ओमेगा स्क्वायर और साथ में ये जे, देखो दिख रहा क्या मतलब। हाँ ठीक है, जे नहीं आया खाली, ये रहा जे। फिर से देखो यहां पे आर ओमेगा कांस्टेंट, रेडियस है आर, वो तो फिक्स है, एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, तो ये दोनों कांस्टेंट वैसे ही रखे थे, माइनस वैसे ही है, साइन का कॉस ओमेगा टी, पहले आर ओमेगा ही लिखा था यहाँ पे, फिर से बता देखो आर ओमेगा वैसे ही वैसे, साइन का डेरिवेटिव कॉस ओमेगा टी, जैसा एंगल है वैसे रखना और ओमेगा कांस्टेंट सामने, तो इसका क्या कर दिया था अपन ने स्क्वायर, ठीक है इसका भी बता देता हूँ, स्क्वायर में कर दिया, आर ओमेगा वैसे कॉस का डेरिवेटिव है माइनस साइन, ये लिख दिया ओमेगा टी वैसे, अब कांस्टेंट ओमेगा फिर से बाहर लिखना है, एक और ओमेगा पहले से ही है, ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। अब डायग्राम मिटा देते हैं, डायग्राम को कोई काम नहीं, अच्छा इतनी रहने देते हैं, नीचे वाली मिटा देते हैं। इसको लिख रहे हैं, सो एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू, इसमें से कॉमन क्या निकलेगा देखो, ओमेगा स्क्वायर कॉमन निकालो, सिर्फ ओमेगा स्क्वायर और माइनस माइनस ओमेगा स्क्वायर कॉमन, ब्रैकेट में क्या बचना देखो, माइनस है आर है कॉस ओमेगा टी और साथ में आई, माइनस गया तो बचा प्लस आर साइन ओमेगा टी, आर साइन ओमेगा टी और ये लास्ट में जे, ये वाला जे, ठीक है। क्या कॉमन निकाला अपन ने देखो, माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर गया, माइनस ओमेगा स्क्वायर गया, जो बचा वो लिखा है। अब ये इक्वेशन देखो कहीं दिख रहा है अपने पहले वाले में, ये वाला इक्वेशन ध्यान से देखो, ये है वो आर कॉस ओमेगा टी आए प्लस आर साइन ओमेगा टी जे, आर कॉस ओमेगा टी आए प्लस आर साइन ओमेगा टी जे, मतलब उसकी जगह ये लिख सकते हैं, सो एक्सेलरेशन कैन बी रिटन एज माइनस ओमेगा स्क्वायर और इसकी जगह लिख रहे हैं आर। अब ध्यान देना माइनस साइन के बारे में क्या लिखते हैं, निगेटिव साइन शोज दैट ये रेडियस वेक्टर और ये एक्सेलरेशन दोनों अपोजिट डायरेक्शन है, तो रेडियस वेक्टर की डायरेक्शन क्या लिखा है अपन ने, डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सेंटर, तो ये उसके अपोजिट में है, मतलब डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर, आगे ना डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर, दिस एक्सेलरेशन इज नोन एज सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन और रेडियल एक्सेलरेशन, इसीलिए उसको सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन बोलते हैं बिकॉज इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर, अपने आप माइनस आया है डेरिवेशन में, तो माइनस साइन शोज दैट, यहां लिखना कि वेक्टर आर एंड वेक्टर ए आर इन अपोजिट डायरेक्शन, तो ये जो आर है वो है डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सेंटर, इसलिए पहले बताया था, तो एक्सेलरेशन रहेगा डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर उसके अपोजिट, ये हो गया वेक्टर फॉर्म में ए सी या ए आर जो भी लिखना है, सेंट्रिपिटल और रेडियल एक्सेलरेशन, तो ये थोड़ा सा नोट डाउन करो, फिर नोट है वो बता था आगे चलो, ये सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन का इक्वेशन हो गया और डायरेक्शन भी बता दिया, डायरेक्शन है टुवर्ड्स द सेंटर, ये है डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सेंटर, तो ये रहेगा डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर, वही बोला माइनस है कि ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन है, तो ये अगर डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सॉरी डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सेंटर है तो ये रहेगा डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर, इसीलिए उसको बोलते सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ये नोट डाउन करो फिर नोट बताना बेटा, डेरिवेशन एक बार फिर से देखना और आप लोग खुद लिख के देखो, और याद रखो कॉस का डेरिवेटिव तो मैंने सिखाया है और उसमें कांस्टेंट का भी लिया है अपन ने, ये कांस्टेंट है इसको सामने लिखते जाओ आर के साथ, ये कांस्टेंट है इसका कोई काम नहीं, तो उसके साथ वो कांस्टेंट लिखा है देखो आर में कॉस का माइनस साइन, एंगल वैसे ही रखना पर सामने ये ओमेगा लिखा है, ये ध्यान रखो ये वाला, ये थोड़ा अपने आप एक बार लिख के देखना, डेरिवेटिव वाला लगे तो पार्ट वापस से देखिए,
इसको दो बार डिफरेंशिएट किए, एक बार डिफरेंशिएट किए तो वेलोसिटी, एक और बार डिफरेंशिएट किए तो एक्सीलरेशन, और यहां पे पता चल गया कि इट इज डायरेक्टली टुवर्ड द सेंटर, इसीलिए उसको बोल रहे हैं सेंट्रीपिटल और रेडियल एक्सीलरेशन। ठीक है, देख लो, नोट है वो बताता, तो ये आप लोगों ने अच्छे से नोट डाउन करना और एक बार लिख के भी देख लेना। ठीक है, डेरिवेटिव दो बार लिए हैं, थोड़ा सा नोट बता देता हूं, उसके बाद लास्ट टॉपिक बचेगा। अब देखो आगे नोट, ये तो हो गया वेक्टर फॉर्म में, मैग्नीट्यूड में लिखेंगे। ए आर या ए सी भी लिख सकते हैं, रेडियल एक्सेलरेशन या सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू आर ओमेगा स्क्वायर, बस इतना ही। माइनस साइन नहीं डालना, माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा था कि आर और ये सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन अपोजिट में है, रेडियल वेक्टर इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सेंटर, सो दिस एक्सेलरेशन मस्ट बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर, तो ये मैग्नीट्यूड में कुछ नहीं डालना है। नाउ ये रिलेशन अपने डिराइव किया है, वी इज इक्वल्स टू आर ओमेगा, तो एक बार आर की जगह और एक बार ओमेगा की जगह वैल्यू डाल के देखते क्या, आर ओमेगा की जगह वैल्यू डाल दो, ओमेगा की जगह क्या होगा वी अपॉन आर होल्डिंग स्क्वायर, ओमेगा की जगह देखो क्या बनेगा, सो ए आर इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर, और एक आर कैंसिल, एक आर का सिग्नल, तो ऐसे भी लिख सकते हो उसको, ये याद रखना है, मेरा ही नहीं तक करना है बस, देखो मैं भी यही रहूंगा, अपन अलग अलग फॉर्म लिखने के लिए बोले तो ऐसे लिख सकते हैं, ये रिलेशन सब्स्टिट्यूट करना है, रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, वी इज इक्वल्स टू आर ओमेगा, तो ओमेगा की जगह डाला है पहले, लिख ही लेते चलो, ओमेगा की जगह डाला है वी अपॉन आर, तो इसकी जगह तो डायरेक्ट स्क्वायर कर ही देते चलो, ऐसे भी लिखेंगे तो चलेगा, वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ये ओमेगा की वैल्यू, या वो होल्डिंग स्क्वायर भी चलता था, एक आर कैंसिल यानी ये बचा वी स्क्वायर, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। सेकेंड में आगे देखो नाउ, फिर से ये रिलेशन लेंगे, v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा, ठीक है, तो यहाँ r की जगह वैल्यू डालेंगे तो r की जगह बनेगा v अपॉन ओमेगा, तो सब्स्टिट्यूट करो इसमें, ए आर इज इक्वल्स टू आर की जगह v अपॉन ओमेगा और इन टू ओमेगा स्क्वायर, एक मिनट इसको थोड़ा चेंज कर, आर की जगह वी अपॉन ओमेगा, ठीक है, और ओमेगा स्क्वायर, सो इट बिकम्स वी ओमेगा, वैसे रहने दो चलो, तो तीन इक्वेशन हो गए, ये फर्स्ट जो डिराइव किया है, ये सेकंड और ये थर्ड, न्यूमेरिकल में देखना क्या गिवन है उसके हिसाब से फॉर्मूला यूज करेंगे, या तो ए इक्वल्स टू आर ओमेगा स्क्वायर, पहले ओमेगा की जगह यहां से वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो तो ये मिला, फिर आर की जगह वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये मिला, तो तीनों इक्वेशन सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन के हैं, आर ओमेगा स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन आर एंड वी ओमेगा, ये देखो नोट डाउन करो। देखो सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन के तीन इक्वेशन डिराइव किए थे अभी अपन, ए इज इक्वल्स टू आर ओमेगा स्क्वायर, a is equals to v square upon r and a is equals to v omega, तो ये first, ये second और ये third, अब पुराने इसमें जाते वापस, इसके वीडियो में ये है न्यूक्लियस, ये है इलेक्ट्रॉन, ये गोल सर्कुलर मोशन में घूम रहा, तो कौन सा फोर्स सर्कुलर मोशन में लगेगा,
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मतलब दो चार्ज के बीच में, बिटवीन पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस एंड निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन, सन के अराउंड अर्थ घूम रही, कौन सा फोर्स है अर्थ और सन के बीच में? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो वो सर्कुलर मोशन में रखेगा अर्थ को, और धागा बांधा है स्टोन को और उसको घुमा रहे हैं, तो धागे में क्या रहेगा? टेंशन। तो कोई भी बॉडी अगर सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है, तो देयर शुड बी अ फोर्स व्हिच इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर। जैसे ये है एक्सेलरेशन डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर, तो इस एक्सेलरेशन के बिना या इस फोर्स के बिना सर्कुलर मोशन पॉसिबल नहीं है। अगर अपन सन को यहां से हटा दे, समझो तो ग्रेविटेशनल फोर्स खत्म, बॉडी विल फ्लाई ऑफ टेंशन। न्यूक्लियस हटा दे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स खत्म, द बॉडी विल फ्लाई ऑफ टेंजेंशियल। धागा टूट गया, द बॉडी विल फ्लाई ऑफ टेंजेंशियल। तो ये फोर्स के बिना सर्कुलर मोशन परफॉर्म नहीं हो सकता। तो जिस डायरेक्शन में फोर्स है उसी डायरेक्शन में कौन सा एक्सेलरेशन है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सो दैट फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। देखो बता, तो ये सारे फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स है, अलग अलग है। एक जगह इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, एक जगह ग्रेविटेशनल फोर्स है, एक जगह टेंशन है धागे में। नाउ सेंट्रीपिटल फोर्स, ये याद रखना, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, उसी डायरेक्शन में सेंट्रीपिटल फोर्स, क्योंकि फोर्स के बिना एक्सेलरेशन नहीं हो सकता, फोर्स लगाना ही पड़ेगा। तो अब देखो आगे ले रहे, तो फोर्स का सादा फॉर्मूला क्या है? मास इनटू एक्सेलरेशन, फादर इज इक्वल टू मम, और दोनों फोर्स और एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी में डाल सकते हैं, डायरेक्शन सेम रहेंगे, जिधर एक्सेलरेशन उधर फोर्स, वैसे ही ठीक है। नाउ फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन आर ओमेगा स्क्वायर, ये हो गया फोर्स। सेकंड, फोर्स इज इक्वल टू मास into acceleration, so v square upon r, फिर से ये वाला लेंगे third acceleration की जगह, so force is equals to mass into acceleration v omega। तो ये basic formula है, mass वैसे ही रखा है और acceleration की value यहाँ से substitute करो। So this is the centripetal force which is responsible for performing circular motion। इसके बिना सर्कुलर मोशन परफॉर्म नहीं होगा। ये फोर्स अगर नहीं है तो बॉडी विल फ्लाई ऑफ टेंजेंशियली, यही फोर्स बॉडी को सर्कुलर मोशन में रखेगा। अलग अलग एग्जांपल में अलग अलग फोर्स था, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स था, सन और अर्थ के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स, अर्थ और उसकी सैटेलाइट के बीच में, यानी मून बोलो या आर्टिफिशियल सैटेलाइट बोलो, मून इज द नेचुरल सैटेलाइट, उनके बीच में भी ग्रेविटेशनल फोर्स, धागा स्टोन घुमा रहे, कौन सा? धागे में टेंशन। सो ऑल द फोर्सेस आर डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर एंड दैट इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। ये एक्सेलरेशन के इक्वेशन डिराइव किए हैं, बट फोर्स का डिराइव करने की जरूरत नहीं है। दिस इज द फोर्स व्हिच इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर, क्योंकि एक्सेलरेशन है डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर। दिस इज दैट फोर्स व्हिच विल प्रोवाइड द सर्कुलर मोशन, इसकी वजह से सर्कुलर मोशन होगा। मास इक्वल एक्सेलरेशन, ये मास ये एक्सेलरेशन, ये मास ये एक्सेलरेशन और ये एक्सेलरेशन, तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स की इक्वेशन याद रखना, 12th में भी काम आएगा। फिर से बोल रहा, ये चैप्टर 12th में भी है, देख लो एक बार, नोट डाउन करो। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के डिराइव किए हैं ये, सिर्फ एक्सेलरेशन यहां लिखना है, मास इनटू एक्सेलरेशन, मास वैसे एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई करो बस, देख नोट डाउन करो। ठीक है, नोट डाउन कर लो। उसके बाद लास्ट टॉपिक है कोनिकल पेंडुलम बोले, होमवर्क याद रखो, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का पूरा इक्वेशन डिराइव करना और इसके तीन फॉर्म भी डिराइव, मतलब जैसे लिखते v = r ओमेगा लेके वो भी लिख के भेजना है, और साथ में ये लिखना सेंट्रीपिटल फोर्स, ये याद रखो, इक्वेशन 12th में काम आएगी। 12th में भी सर्कुलर मोशन है, आप देख लो एक बार याद। तो अब देखो, अब नेक्स्ट ले रहे कोनिकल पेंडुलम, ये सेम डेरिवेशन 11th में भी है, सेम डेरिवेशन 12th में भी है। 11th में थोड़ा अलग मेथड से प्रूफ किया है, 12th में थोड़ा अलग मेथड से, तो अपन 12th वाली मेथड ही लेंगे, ताकि 12th में ही मेन तो वही है, या तो एग्जाम में लिखना 11th की, ये भी राइट ही देंगे, कोई गलत नहीं है। सेम डेरिवेशन 12th की टेक्सटबुक में भी है।
तो ये डेरिवेशन 12th में भी है, ठीक है, तो याद रखना। तो अब देखो व्हाट इज कोनिकल पेंडुलम, ये नोटम कर लेना, वैसे भी वैसे रखना, 11th में भी है पर थोड़ा चेंज है, बट ऐसे भी लिखेंगे तो कोई मार्क्स नहीं काटने वाला, क्योंकि सेम डेरिवेशन 12th में भी है, सेम टाइम पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम, कोनिकल पेंडुलम का टाइम पीरियड डिराइव करो, सेम डेरिवेशन 12th के टेक्स्टबुक में भी है। अब पीडीएफ है अवेलेबल 12th की टेक्स्टबुक की, तो अभी टेक्स्टबुक मत लेना, पर पीडीएफ हमें डाउनलोड करेंगे तो उसमें देखना सेम डेरिवेशन उसमें भी है, तो अपन उसी मेथड से लेंगे अभी। नाउ सिंपल पेंडुलम आप लोगों ने देखा है, अपन ने डायमेंशन में भी लिया, यह है बॉब, इसको बॉब बोलते हैं, मेटल का स्पीयर, और ये थ्रेड है स्ट्रिंग यहां तक, ठीक है ना, इसको यहां तक लेके आओ और छोड़ दो, जैसे स्विंग झूला रहता, ये सामने जाएगा और वापस आएगा, तो इसको ऑसिलेटरी मोशन बोलते हैं, ऑसिलेशन बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं सिंपल पेंडुलम। कौन सा पेंडुलम? सिंपल पेंडुलम। और इसका टाइम पीरियड अपन ने डायमेंशन में लिया था, t is equals to 2π under root l upon g। अब कोनिकल पेंडुलम में और इसमें क्या फर्क है वो देखो, इसमें बॉब कौन सा मोशन परफॉर्म कर रहा है, टू एंड फ्रो, झूले के जैसा, सामने गया फिर पीछे आया, फिर सामने गया फिर पीछे आया, झूला जैसे है वैसा स्विंग, ठीक है ना। कोनिकल पेंडुलम में सेम अरेंजमेंट, सेम बॉब, सेम स्ट्रिंग, बट बॉब को सर्कल में घुमाना है नीचे, टू एंड फ्रो मोशन नहीं, कौन सा मोशन देना है, सर्कुलर मोशन। तो देखो ये बॉब यहां सर्कल में घूम रहा है और ये थ्रेड है, ठीक है, ये लटका दिया वहां रिजिड सपोर्ट पे, तो यहां ये जो बॉब है वो ऐसे गोल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा, ये मेटल का स्फीयर, पर इतना बड़ा नहीं बना था, ऐसे डॉट बना दिया इसमें, तो ये कौन सा मोशन परफॉर्म कर रहा, सर्कुलर मोशन। तो धागा जो शेप बनाएगा, धागा जो शेप बनाएगा स्पेस में, इट अपीयर्स टू लाइक दैट ऑफ अ कोन, इसीलिए इसको बोलते हैं कोनिकल पेंडुलम। तो सिंपल पेंडुलम में बॉब आगे पीछे वाला ऐसा मोशन परफॉर्म कर रहा, जबकि कोनिकल पेंडुलम में बॉब कौन से मोशन में दिया है, सर्कुलर मोशन। तो जो धागा है जैसे ये है, ये है सर, ठीक है, ये ऐसा है एंगल में और इसको गोल घुमाओ, ये ऐसा, तो ये शेप कैसा रिसेंबल करेगा, लाइक दैट ऑफ अ कोन, ठीक है, ऐसा सर्कल है, नीचे बॉब को सर्कुलर मोशन दिया है, सो इट रिसेंबल लाइक दैट ऑफ अ कोन, इसीलिए उसको बोलते हैं कोनिकल पेंडुलम। देख लेते हैं, देखो जैसे ये नीचे समझो रॉड बांध दिया और ये धागा है, अब इसको सर्कल में घुमा रहा है, यस, ठीक है, नीचे देखो ये सर्कुलर मोशन में, ये ठीक है, ये देखो सर्कुलर मोशन, तो ये जो शेप है इट रिसेंबल लाइक दैट ऑफ अ कोन, इसीलिए इसको बोलते हैं कोनिकल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम खाली ऐसा बस आगे पीछे ऑसिलेट होगा ऐसे, बट कोनिकल पेंडुलम में आप उसको ऐसा रोटेट करेंगे, तो जो बॉब है वो देखो कौन सा मोशन परफॉर्म कर रहा है यहां पे, सर्कुलर मोशन, इट इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन, सो दैट पेंडुलम इज कॉल्ड कोनिकल पेंडुलम। तो सिंपल पेंडुलम का नहीं है अभी, अपने को कोनिकल पेंडुलम का डेरिवेशन, तो ये हटा लेते हैं। देखो जब बॉब रेस्ट वाली पोजीशन में है, मेटल का स्फीयर, ठीक है, तो वेट कौन सी डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और ये नीचे खींच रहा है, तो धागे में क्या आएगा, टेंशन टी, उसके अपोजिट में इक्वल एंड अपोजिट एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे, ये टेंशन है टी, धागे में टेंशन टी, तो इसको सिंबल बदल देंगे टी जीरो का, क्योंकि टाइम पीरियड को भी टी से डिनोट करते हैं, तो टेंशन को टी जीरो से कर देते, चलो तो टेंशन है टी जीरो ये, और वेट एम जी, वेट नीचे खींच रहा, धागे में क्या जाएगा, टेंशन, दोनों इक्वल एंड अपोजिट एक दूसरे को बैलेंस करेंगे। बट यहां देखो ये है बॉब, वेट हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, बट टेंशन इधर है, अब दोनों एक दूसरे के अपोजिट में नहीं है, ध्यान देना दोनों एक दूसरे के अपोजिट में नहीं है, ठीक है, तो अब क्या होगा देखते हैं, टेंशन को दो कंपोनेंट में डिवाइड करो, एक ये कंपोनेंट और एक ये कंपोनेंट, देखो रिजल्टेंट ये बता, ये एक कंपोनेंट और
और ये दूसरा कंपोनेंट। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा रहेगा, क्यू थीटा रहेगा, अल्टरनेट एंगल्स। कौन से एंगल्स? अल्टरनेट एंगल, ये लाइन और ये लाइन और ये बीच वाली, यस यस सर यस सर, ये एंगल थीटा लिखा है, ये एंगल भी थीटा लिखा, अल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, तो देखो डायग्राम समझ में। तो देखो ये था अपना टेंशन P0, इसको दो कंपोनेंट में डिवाइड किया, रिजल्टेंट इज अलोंग द डायगोनल। ये एंगल अगर थीटा है ये वाला, तो ये कंपोनेंट क्या आएगा, P0 cos थीटा, रिजॉल्व करना सिखाया वेक्टर को, ये P है तो ये P cos थीटा, एंगल है इसके साथ एंगल नहीं है, तो ये P sin थीटा P0। देखो समझ में आ रहा है, ठीक है, तो टेंशन को दो कंपोनेंट में डिवाइड किया। ये कंपोनेंट आया P0 cos थीटा, इसके साथ थीटा, ये कंपोनेंट है P0 sin थीटा। ठीक है, तो जब स्ट्रेट था रोटेट नहीं हो रहा था तब ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट, बट रोटेट होते समय ये इधर है धागे की तरफ, टेंशन तो धागे में रहेगा और ये ब्रेक डाउनवर्ड डायरेक्शन में, दोनों अपोजिट में नहीं है, इसलिए टेंशन को दो कंपोनेंट में डिवाइड किया, ये एक है, रिजल्टेंट अलोंग द डायगोनल, बराबर। तो ये थीटा है, तो ये P0 cos थीटा, ये P0 sin। एक डायग्राम देखो पहले और उसमें लिखेंगे P0 क्या है, टेंशन इन स्ट्रिंग। ठीक है, P0 इज टेंशन इन द स्ट्रिंग। ये रेडियस है, अब दिखाते हैं O, उसको नाम देते हैं A, B। सो O A इज द रेडियस, डिनोट कर सकते हैं लगे तो R से, O B इज H, बाजू में O B डायग्राम में देखो ये वाला O B, हाइट ऑफ द कॉनिकल पेंडुलम। स्लैंट हाइट और ये एक्चुअल हाइट और ये है रेडियस कोण। ठीक है, तो ये जो है ये है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ए बी, इसको डिनोट करेंगे कैपिटल एच, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। ठीक है ना, तो यहां मेंशन करना लिखते समय कि टी जीरो टेंशन इज रिजॉल्व इन टू कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट P0 cos थीटा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट P0 sin थीटा। याद रखो, काउंट करो, देखो पहले तो कोनिकल पेंडुलम में याद रखो लिखना है क्या है, द बॉब इज मूविंग इन सर्कुलर मोशन, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन, सो द शेप इन द स्पेस रिजेंबल लाइक दैट ऑफ अ कोन, इसीलिए इसको बोलते हैं कोनिकल पेंडुलम। ये लिखना, ये लिखना, ये लिखना, उसके बाद लिखना T0 इज रिजॉल्व इन टू कंपोनेंट्स, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट लिख सकते हैं, P0 cos थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट पूरा लिखना, एंड सेकेंड P0 sin थीटा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पूरा लिखना। इसके बाद ये मिटा के फिर डेरिवेशन के स्टेप लिखूंगा, इतना नोट डाउन कर लो। ठीक है, वीडियो पॉज करो और ये नोट डाउन कर लो, अभी मिटा रहा है। ठीक है, और डेरिवेशन शुरू कर रहे हैं, कितना लिखना है पहले डायग्राम के, फिर डेरिवेशन शुरू करेंगे। डायग्राम में बता देते, ये यहां से यहां तक है हाइट एच, ये है रेडियस, तो यहां लिख देते
यहां ये रेडियस आर और यहां से यहां तक लेंथ है, टेंशन तो वेक्टर है, ये लेंथ है ताकि, ठीक है। नाउ ध्यान देना, फर्स्ट t cos थीटा किसके बैलेंस करता mg, और देखो t sin थीटा, t 0 sin थीटा कहां डायरेक्टेड है, टुवर्ड्स द सेंटर। अगर वो टुवर्ड्स द सेंटर है तो अपने पहले ही बोला है कि कोई भी बॉडी अगर सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेंगे तो देयर शुड बी अ सेंट्रीपिटल फोर्स डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर। तो यहां डायरेक्टली टुवर्ड्स द सेंटर कौन है, t 0 sin थीटा, तो अपन लिखेंगे t 0 sin थीटा प्रोवाइड नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, और सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला लिखिए, तीनों में से कोई भी लिख सकते थे तो अपन ने अभी फिलहाल ये लिखा, कौन सा m r ओमेगा स्क्वायर, सो t 0 sin थीटा, डायग्राम में देख के लिखना है t 0 sin थीटा, देखो एरो का दिया डायरेक्टली टुवर्ड द सेंटर के, डायरेक्टली टुवर्ड द सेंटर है मतलब सर्कुलर मोशन के लिए वो क्या प्रोवाइड कर रहा, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेकंड देखो t 0 cos थीटा किसके अपोज में है, वेट mg, तो वो वेट mg को बैलेंस कर रहा, ठीक है, दोनों को डिवाइड करो, t 0 sin थीटा अपॉन t 0 cos थीटा, इट इज m r ओमेगा स्क्वायर अपॉन mg, तो sin अपॉन cos tan थीटा, m और m कैंसिल, ये बचेगा r ओमेगा स्क्वायर अपॉन g, ठीक है। अब डायग्राम देखो, ये वाले ट्रायंगल, इन ट्रायंगल BOA, BOA tan थीटा देखो क्या है, tan थीटा अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, अपोजिट ये r और एडजेसेंट h, फिर से डायग्राम बना लेते हैं, वेक्टर से अलग बना लेते हैं, वेक्टर वही रहने दो, मिक्स नहीं होगा। तो ये है, ये हाइट h, ये एंगल थीटा, ये लेंथ l, कैपिटल l से डिनोट करेंगे यहां से यहां तक, और ये रेडियस r, तो यहां लिखे थे ना ये l यहां से यहां तक, ये हाइट h और ये रेडियस r, इसको अलग से ड्रॉ, तो ये है पॉइंट अपना b, ये है पॉइंट o, ये है पॉइंट a, ये एंगल लाइन, सो tan थीटा इज अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो यहां डालो r अपॉन h, it is equals to r omega square upon g, so we can write r r cancel, omega square की value इधर कर दो, g upon h, ठीक है ना, ये diagram draw कर लेना, हटा दे इसको, omega square will be under root bracket square इधर लेते हैं, omega square ये g इधर g upon h square हटा देंगे, ये आ गया। अब याद करो omega का फॉर्मूला, ये लिया था अपने 2 pi upon t, देखा, ठीक है, तो वो डाल देंगे omega की जगह 2 pi upon t is equals to under root g upon h, shift करो इसको इधर लो, t को उधर ले लो, so t is equals to 2 pi, वैसे ये h multiply में और upon में g, so this is the equation for time period of conical pendulum, कितना करता है 12th में देखना, यही method है, यही method याद करना, यही method से derive करना। तो इसे देखो tension और mg oppose में नहीं है, तो tension को दो component में divide किया, एक ये एक ये, अगर vertical के साथ angle theta है ये भी angle theta, तो ये component t0 cos theta, ये component t0 sin theta, t cos theta किसको balance करना, weight को, ये लिख लिया, t sin थीटा कहां डायरेक्टेड है, टुवर्ड द सेंटर, और इसके पहले ही बताया सेंटर की तरफ कौन सा फोर्स डायरेक्टेड रहता, सेंट्रीपिटल फोर्स, ये सेंट्रीपिटल फोर्स का इक्वेशन, यानी ये सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेंगे, m r ओमेगा स्क्वायर, m v स्क्वायर अपॉन r भी लिख सकते थे, पर भी m r ओमेगा स्क्वायर लिखो, दोनों को डिवाइड करो, क्या बचा tan थीटा, डायग्राम में tan थीटा लो अपोजिट, ये नहीं लेना, ये वेक्टर है, मैग्नीट्यूड ये हाइट है, ये लेंथ है धागे की और ये रेडियस है, तो ये अपोजिट और ये एडजेसेंट, ठीक है, फिर से
ये बी ये वाला पॉइंट और ये ए, ये एंगल थीटा, ये एच, ये लेंथ और ये रेडियस, ये डायग्राम यार ये तो वेक्टर रिजॉल्व किए थे तुमने, तो इसको मत लिख देना अपोजिट एंगल से। तो आर और आर कैंसिल, जी इधर कर दो, तो जी अपॉन एच ओमेगा की वैल्यू, ओमेगा का फॉर्मूला अपन ने डिराइव किया था 2 पाई अपॉन टी, एक रोटेशन के लिए एंगल 2 पाई, वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो टी उधर एच इधर। सो दिस इज द इक्वेशन फॉर टाइम पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम। छोटी सी नोट है वो मैं बता देता हूं फिर आगे चलेंगे। ये कोनिकल पेंडुलम का डिराइव हो गया, देखना ये भी लिख के भेजना है उसके साथ, ठीक जो पहले मिटाया है वो भी नोट डाउन करना है उसमें। देखो ये सेम डेरिवेशन 12th में फिर से, तो इसीलिए बोल रहा सर्कुलर मोशन जहां यहां खत्म करेंगे वहां से शुरू होगा 12th में। तो ये सर्कुलर मोशन अच्छे से देखना है, सब चीजें याद रखना है, देख लो एक बार नोट डाउन करो फिर आगे चलो। तो ये देखना कोनिकल पेंडुलम का 12th में फिर से, छोटी सी नोट बता देता हूं थोड़ा याद, ये डायग्राम हटा देते, ये ही अपने सामने। डायग्राम पर से लिखना है टी कॉस थीटा, डायग्राम में किसके अपोज में आया था ब्रेक के, तो वो लिख लिया, और टी साइन थीटा कहाँ डायरेक्टेड था टुवर्ड्स द सेंटर, तो वो प्रोवाइड करेगा नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स। डायग्राम में देखा टी जीरो साइन थीटा कहाँ डायरेक्टेड था टुवर्ड्स द सेंटर, इसीलिए वो सेंट्रिपिटल फोर्स है, ठीक है। टी जीरो कॉस थीटा किसके अपोज में था वेट एम जी, डायग्राम पर से लिखना है बाद में तो डिवाइड किया है। देखो यही वापस है ट्रायंगल में cos थीटा, क्या लो cos थीटा, cos थीटा, हाँ cos का फॉर्मूला एडजेसेंट और हाइपोटेनियस, सो एडजेसेंट h अपॉन हाइपोटेनियस l, सो h इज इक्वल्स टू l cos थीटा, ठीक है। तो उसमें डाल दो, सो t इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट, h की जगह आप लोग लिख सकते हैं l cos थीटा अपॉन जी, तो ये भी डेरिवेशन में आ सकता है, शो दैट अदरवाइज यहीं तक कर लें 2 पाई अंडर रूट एच अपॉन जी, या फिर cos थीटा लेके लिखेंगे एल cos थीटा अपॉन जी, ऐसे भी चलता। तो ये अपना कोनिकल पेंडुलम कंप्लीट, 12th में वापस से है, ठीक है। एक छोटा सा टॉपिक बचा है रिलेटिव वेलोसिटी, वो यूट्यूब पे नहीं डालेंगे अपन, मैं ऐसे ही थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा, 5-1 मिनट का काम है, तो छोटा सा वीडियो ग्रुप में ही ऐड कर दूंगा। तो यहाँ तक नोट डाउन करना, कोनिकल पेंडुलम भी भेजना है यहाँ का, और सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन का जो डिराइव किया है वो भी भेजना है, ठीक है। तो ये नोट डाउन कर लेना, 12th में फिर से है ये, फिर से 12th में सर्कुलर मोशन में ये डेरिवेशन है फिर से कोनिकल पेंडुलम, तो फिर से यही मेथड से डिराइव करेंगे अपन। तो आर है तो मैं करके दूंगा, सिर्फ जो बेसिक हुआ है वो आप लोगों को ध्यान रखना है, वो वापस से नहीं लेंगे, जो चीज़ है वो तो लेना ही पड़ेगा, तो ये वापस से लेंगे उसमें, ठीक है। तो ये नोट डाउन करो, और रिलेटिव वेलोसिटी का बाद में मैं एक छोटा सा वीडियो 5-10 मिनट का बना के ग्रुप में डाल दूंगा, यूट्यूब में ऐड नहीं करेंगे। तो ये सर्कुलर मोशन का अपना कंप्लीट हो गया, यानी अपना थर्ड चैप्टर कंप्लीट हो गया मोशन इन अ प्लेन। तो पहले लिया था मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, फिर हुआ था मोशन इन अ प्लेन, तो उसमें पहले प्रोजेक्टाइल मोशन और बाद में ये सर्कुलर मोशन, तो ये टू डायमेंशनल मोशन, देख लेना।